हेलो गाइस, एक ये गंदा बच्चा जो बार बार इधर आ जा। वहाँ से छोड़, ऊपर से वहाँ से नीचे छोड़, अब छोड़ दे बस, अपना नीचे छोड़ वहाँ से। आगे सोना, पीछे पीछे आरु। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे कर रही हूँ, मतलब जो दिन के 12:30 बजे कर रही हूँ। और जो है आज दिवाली के अगले दिन वाला है, कल मैं दिवाली वाले दिन ब्लॉग नहीं कर पाई। और आज जो है मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे फीवर हो रहा है। अभी सारा काम निपटाने के बाद ना मैं सोच रही थी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, पार्लर में भी कोई नहीं आया आज, तो मैं जैसी वीडियो एडिट करने के लिए बैठी मुझे नींद आने लग गई। सॉरी, मैं नहाई भी नहीं अभी तक, और पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं धूप पर बैठी हुई, देख सकते हो अब इतनी धूप बची हुई है यहाँ पे, देख सकते हो इतनी सी। और ये एक नया प्लांट लगाया मैंने, नाम नहीं पता मुझे गाइस किसी के भी नहीं, बस मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं वो ले लेती हूँ। और ये गमले भी नहीं करे मैंने अभी तक पेंट, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। तो बच्चे जा रखे हैं नानी के घर पे, और मैं सोच रही थी, मन का मैं थोड़ा मैं अंदर लेटी धूप में, और उस वो मतलब अंदर लेटी तो मुझे ठंड से लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं धूप में लेट जाती हूँ। और क्या बोलते हैं जो है सोचा थोड़ा सा यहाँ पे मिनी ट्यूटोरियल एडिट कर लेती हूँ। एक तो यूट्यूब का काम इतना हो जाता है ना कि मतलब जब काम करने में बैठो ना तो टाइम कब निकल जाता है कुछ पता नहीं है, फिर ऊपर से घर के काम भी टाइम टाइम पे होते रहते हैं। तो बच्चे जा रखे हैं नानी के घर पे, और मैं बस और फाइनली मेरे को जो है हाउस हेल्पर मिल गई, तो बस मतलब क्लीनिंग कर लेगी, वो झाड़ू पोछा कर लेगी, काफ़ी हो जाता है, हेल्प हो जाती है काफ़ी के लिए। क्योंकि कल दिवाली की वजह से ना पटाखे रंगोली सारा मतलब ऐसा रखा था ना, यहाँ को रंगोली बना रखी थी सोना ने, ये देख सकते हो यहाँ को, तो बहुत फैल रखा था बहुत ज़्यादा। सोच रही थी कि वीडियो एडिट कर लेती हूँ, बट नहीं पा रहा मेरे से ना, वीकनेस आ रही बहुत ज़्यादा और मेरे को नींद आ रही, सॉरी। तो बस मैं बाहर धूप में बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा सा जो है मिनी ट्यूटोरियल जो है एडिट कर लेती हूँ सोना में कवर वाले चैनल के लिए, तो ज़रूर देखना आप जो है मिनी ट्यूटोरियल जो है मैं एडिट कर रही हूँ। और बस कल से फिर लग जाएंगे अपने काम पर, तो कल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और चलिए मैं मिलती हूँ आपके आपको थोड़ी देर में। और ये सारे कारपेट ना जब मतलब वो दीप पोछा लगा रही थी बाहर डालते थे सारे, तो मैंने कहा इनको तभी बिछाऊंगी मैं, थोड़ा सा अंदर सूख जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा, वरना तो फिर अजीब सी स्मेल आती है। और अभी मैं लेटी यहाँ पर, मुझे इतनी नींद आ रही है। और ये वाला एरिया देख सकते हो गाइस, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, देख सकते हो, ये देख सकते हैं कि इतना यहाँ पे आराम से छोटा सा डाइनिंग लग सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब प्राइवेसी नहीं है, आगे से ओपन है वैसे रेलिंग है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा करूँ कि जैसे मैं कभी कभार यहाँ पे वीडियो बना सकूँ, व्लॉग कर सकूँ, है ना। तो चलो देखते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो, अब ये वाला एरिया ना ऐसा लग रहा है जब इस एरिया पे ना कारपेट डली हुई है, तो मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये ऐसी रैंडमली हो गया कि सारे कारपेट यहाँ पर डले हुए हैं। और ये प्लांट्स भी मैंने सुबह सरकाए थे झाड़ू लगाने के लिए, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ उस टाइप का हो सकता है मेरा जो माइंड चल रहा है ना। और ये लड़िया भी फिलहाल बहुत सुंदर लग रही है, ये देख सकते हो, तो कुछ कर सकती हूँ मैं इनका यूज़, देखते हैं क्या पता कुछ बालकनी मेकओवर ही कर दे।
जो है एक वीडियो बना लेंगे, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं सोचूं या ना सोचूं बालकनी मेकओवर के लिए।